अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और हम पाकिस्तान से आ गए हैं वापस, और पाकिस्तान की कुछ हसीन यादें मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ व्लॉग्स जो वहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकी थी, इतना टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पाकिस्तान में हैं वानिया लोगों को हम लेके गए थे, एक प्ले लैंड था यहाँ, मिसाकुल माल है वहाँ पर, बनाया उन्होंने बहुत अच्छा, वहाँ पे हमने लेके गए थे। ये देखें ऐसे थर्ड फ्लोर पे बना हुआ था, तो बहुत ज़बरदस्त था, बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। और वानिया कहती है मुझे बस वन डे पाकिस्तान में मज़ा आया जब मैं प्ले लैंड गई थी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्ले लैंड, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो कैसा था। जो फैसलाबाद में लोग हैं वो यहाँ जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, कोरोना की वजह से इनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई थी, तो वो आप लोग देख लें कि क्या आजकल टाइमिंग है। और हम लोग आए हैं वापस तो पाकिस्तान में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बस ये थर्ड वेव पाकिस्तान में भी आ गई है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। फ़्लाइट्स वगैरह तो अभी ओपन नहीं है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो गया है। जब हम लोग वहाँ थे तब भी 6 o'clock सब कुछ बंद हो जाता था, तो ये कोरोना पता नहीं कब ख़त्म होगा और कब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होंगी। और ये देखें इनकी एक्साइटमेंट आप चेक करें। और ये आप लोग, अब ये लोग लेंगे झूले, और आप लोग इनकी एक्साइटमेंट देखें और एंजॉय करें हमारे साथ इस प्ले लैंड को। चलो दोबारा फिर चॉकलेट गिर गई, नहीं चलो।
और ये हमारा प्लेलैंड का टूर था। आप लोगों ने भी देखा कितने मज़े मज़े के झूले थे यहाँ पे, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया था और बहुत मज़े से। राफ़े ने भी इतना माशाल्लाह इंजॉय किया था, इतना हमें मज़ा आया था उस दिन। और बच्चों को यहाँ पे इस तरह झूले दे के उसके बाद हम गए थे KFC और हमने खाए थे बर्गर्स। और यहाँ के बर्गर्स जो KFC पाकिस्तान है, जैसे मैकडोनल्ड भी है यहाँ का, उनके बर्गर्स बहुत मज़े के थे, जैसे टेस्ट था उनमें। यहाँ जो स्वीडन में बर्गर्स मिलते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, उनमें फीके से यानी कह लें आप होते हैं, लेकिन यहाँ वाले बर्गर्स इतने मज़े के थे। हालांकि मैं खाती नहीं हूँ इतने बर्गर्स, लेकिन भैया ये वाले बर्गर से रुका नहीं जाता था, इतने मज़े के बर्गर्स थे ये वाले। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हम लोग आ गए हैं KFC। आप लोग भी जब पाकिस्तान आए तो ज़रूर ये ट्राई करें, इनका जिंगर बहुत मज़े का था। और इनके डिफरेंट जो चिकन होते हैं फ्राई, वो बहुत अच्छे थे। ये देखें, ये हमने जिंगर बर्गर लिए थे। और इनकी डील्स काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं, तो बहुत मज़ा आया था हमें यहाँ पे। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने। मेरी सिस्टर के घर में रहने गई थी, उनके घर का भी लोग आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम खाने। और पाकिस्तान में तो जैसे सीट्स नहीं होती बच्चों की, और ऐसे घुस घुस के बैठने का बड़ा मज़ा आता है, सारे फंस के जाते हैं। और बच्चों को हमने नीचे स्टूल पे बिठा दिया था, स्टूल रख के। इनकी गाड़ी काफ़ी खुली खुली है, वैगनर, तो काफ़ी मज़े किया। और ये अहमद मेरी बहन का बेटा है, और ये हमें ABC वो सारी सुना रहा था और कह रहा था। अभी मैं आपको सुनाती हूँ L4 ये क्या कहेगा। हमने एक को स्टूल रख के बिठाया, ये रफी है। लाइट ऑफ लाइट ऑफ। और अब हम लोग आ गए हैं मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड की ड्राइव थ्रू से ही हम ले रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ नीचे उतरना मुश्किल था। तो यहाँ गाड़ी में बैठ के हमने आइसक्रीम खाई थी। अब मैं आप लोगों को मैकडोनल्ड की आइसक्रीम दिखाती हूँ जो हमने खाई थी, तो वो आप लोग अब मेरे साथ इंजॉय करें। उसके बाद फिर मेरी बहन के घर बारबेक्यू पार्टी थी और उसके बेटे की बर्थडे थी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये छोटी छोटी हसीन सी यादें जो हमने पाकिस्तान गुजारी और अब वो याद आ रही हैं। यहाँ आके भी हमारा दिल नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे तो वानिया नाया कह रही थी हमने स्वीडन जाना है, और यहाँ आके वो भी उदास हैं थोड़ी सी कि हम पाकिस्तान एंजॉय कर रहे थे अपना वेकेशन। और ये देखे वानिया खड़ी होके अब टायर्ड हो गई है, कह रही है मुझे आइसक्रीम दे दो। और ये हमारी आइसक्रीम आ गई है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आइसक्रीम। Today we are having barbecue party. I'm sick. And Vania sick hai. And ye. And guys, I don't like the barbecue party. I feel sick. Vani jacket pehen lo. La do aapko. Jacket la do. Acha. Kya mang rahe hain? जैकेट। अब यहाँ पे हमारी बारबेक्यू पार्टी स्टार्ट हो गया, और ये केक देखे कितना प्यारा है। और ये मेरी मामी हैं, वो फैसलाबाद में उनका होममेड केक बनाती हैं, उन्होंने बनाया था, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के केक वो बनाती हैं। जिस दिन हमने आना था उस दिन वो बना के लाई थी, बहुत यमी इनके केक्स होते हैं। ये देखे 2 वाला बनाया था, उसके बेटे ने माशाल्लाह 2 का हो जाना है, 2 का होना था। तो ये देखें, अब बारबेक्यू हमारा स्टार्ट हो गया है। और पाकिस्तान में बारबेक्यू का अपना ही मज़ा है, डिफरेंट टेस्ट होता है। यहाँ पे तो हम करते ही हैं, वो भी मज़े का होता है, लेकिन वहाँ का बहुत मज़े का था। जैसे जो लोग वहाँ करते हैं, जिनकी शॉप्स हैं, वही आके बना रहे थे, तो काफ़ी हमने इंजॉय किया। सीख कबाब और ये चिकन बोटी थी, बहुत मज़े की थी। और खाना मेरी बहन ने खुद घर बनाया था, राइस और सालन, वो भी बहुत अच्छा था। ये देखें, ये रशियन सैलड है, और सब गेस्ट आ गए हैं, और हम पार्टी जो है हमारी पार्टी हो रही है, अब हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी पार्टी। और ये देखें, यम्मी सा रशियन सैलड है। और अब मैं आप लोगों को पार्टी इंजॉय कराती हूँ, फिर हम केक कट करते हैं और यम्मी यम्मी सब बारबेक्यू खाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें।
ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़े मज़े की पाकिस्तान की चीज़ें देख के। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे अपना वापसी का सफ़र शेयर करूँगी और कुछ बैक जो रूटीन में हमारे हैं वो शेयर करूँगी। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।